not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो गाइज, आज आपको ले चलते हैं करोल, और करोल पीक दिखाते हैं आज आपको। बाकी करोल से नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल मौसम साफ है। और दिन तो जैसे थोड़ा बहुत फॉगी फॉगी होता था ना, तो वहाँ से आपको दिखाएंगे बढ़िया सोलन का व्यू, और हो सके तो वहाँ से हमारे को चूड़धार पीक भी दिखेगी। बाकी इससे पहले आपने जो सनराइज़ की क्लिप देखी ना, वो थी हमारी चूड़धार पीक की। अभी शिवरात्रि पे कुछ भाई लोग गए हुए थे वहाँ पे चूड़धार, तो उनसे मैंने ली थी। बाकी इस टाइम वहाँ पे 10-10 फीट से ज़्यादा बर्फ़ होती है, पर फिर भी गए वो, तो ऐसा कुछ है। बाकी इस साल तो गाइज आपको भी ले चलेंगे चूड़धार। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाकी हम फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं सब, तो सोलन भी लेंगे वो मुझे, तो चलिए। Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. So guys, अभी मैं पहुंचा हूं सोलन, और अभी जा रहा हूं बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से चंबा घाट की बस लूंगा, और वहां से हमारा करोल ट्रैक स्टार्ट होएगा। तो गाइज, ये मैं पहुंच चुका हूं अपने चंबा घाट, और ये वाली पीक दिख रही है ना आपको, ये चढ़नी है हमने। यहाँ से तो छोटी लग रही है, अभी इसके ऊपर और है, पूरी दिख नहीं रही यहाँ से। तो गाइज, ये रास्ता ही जाता है आगे अपना करोल के लिए, ये सीधा चल रहा है ना, इधर से जाएंगे हम। बाकी अभी कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि भूख लगेगी ऊपर जाके। तो गाइज, हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है, और ये चंबा घाट से ट्रैक जो है वो 6 किलोमीटर का पड़ता है, तो 6 किलोमीटर का वही 2 घंटे लगेंगे क्योंकि चढ़ाई है ना। बाकी ऊपर काली माता का मंदिर है, और एक गुफा है जो कि हमारे हिमाचल रीजन में सबसे ज़्यादा लंबी है, 28 किलोमीटर की, और जो कि परवानू में मिलती है, तो उस गुफा में भी ले चलेंगे आपको। तो अभी चल ही रहे हैं, अभी मार्केट ये देखिए पीछे ही, अभी घर ख़त्म हुए हैं, अब चल रहे हैं। बाकी गाइस, हमारे हिमाचल में भी गर्मी हो चुकी है, बहुत गर्मी लग रही है अभी तो। अभी तो हम जैसे ट्रैक भी कर रहे हैं ना, तो भी गर्मी लग रही है, पर ऐसे भी बहुत गर्मी है। बाकी गाइस, 11:30 बजे हमने शुरू किया था ट्रैक, अब देखते हैं कब तक ऊपर पहुंचते हैं, और मज़ा आ रहा है बाकी। तो चलिए, बाकी अब तो हवा भी चल पड़ी है ठंडी। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. बाकी गाइस, अब हम पूरे ही फॉरेस्ट में चारों तरफ हमारे, बाकी ज़्यादा घना नहीं है पर बढ़िया है गाइस। चूड़धार पीक देखो ज़रा, बर्फ कितनी ज़्यादा है वहाँ पे अभी भी। बाकी वहाँ चलेंगे, बाकी गाइस इतनी ऊपर, अभी पता नहीं कितनी ऊपर जाना है हमने, और अब चढ़ाई तब से लेके खड़ी चढ़ाई है, और ये कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, और हम यहाँ पे हैं, चल रहे हैं बढ़िया। बाकी गाइस, चढ़ाई देखिए कितनी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर हूँ और वो इतनी ऊपर जा चुके हैं, तो अभी चल ही रहे हैं। बाकी लास्ट में तो सबसे मैं ही चल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है। बाकी ये ऊपर माउंटेन देखिए कितना ऊंचा है, और ये सारा हमने अभी क्रॉस करते करते ऊपर पीक पे पहुँचना है, तो चल रहे हैं गाइस जय माता दी कह के। बाकी गाइस, अभी तक जितने भी हम चले हैं रास्ता लगभग ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई डेंजरस रास्ता हो या चलने में कोई दिक्कत हो रही हो, बढ़िया चल रहे हैं, पर चढ़ाई है। बाकी गाइस, यहाँ तक रोड आया हुआ है,
अपने कंडा घाट से बसाल वाला रोड है ना जो, या सोलन से बसाल वाला ले लो, वो आता है यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा ही ऊपर जाएगा शायद उस घर तक, वो जो दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ तक जाएगा, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ट्रैक शुरू दोबारा से, बाकी आप गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकते हैं बढ़िया। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ, बाकी दो तीन लड़के पीछे रहेगी, वो आ रही हैं तो सबका वेट हो जाएगा। बाकी पानी वगैरह पी लेंगे, कुछ खा लेंगे और ऐसा कुछ है। बाकी गाइज मैं एंड पॉइंट पे खड़ा हूँ, देखो जरा नीचे, बिल्कुल खाई, गहरी खाई। और ये यहाँ से सोलन दिख रहा है, सोलन का पिछला हिस्सा है ये, अगला हिस्सा उस साइड है। बाकी ऐसा कुछ है, बाकी ये नीचे नेशनल हाईवे, और हम इतना ऊपर आ चुके हैं सड़क से, और अभी इतना ही शायद और जाना है ऊपर। बाकी गाइज स्पीकर लाए हैं साथ में, गाने सुनते सुनते चल रहे हैं, बढ़िया मौज करते। जब जा रहे हैं हम बॉडी के पास, ज़रा पानी भराते हैं, ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर को। मेरे ख्याल आधा रास्ता तो आ गए हमारा ना। हाँ भाई आधा रास्ता आ गए। हाँ आधा रास्ता आ चुके हैं, अब आधा रह गया हमारे को। 11:30 चले थे तो 12 बज चुके हैं, वही 12:30 एक बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे ऊपर, जैसे तैसे रेंगते। बस ऐसा ही है कुछ। सो गाइस ये है बॉडी, यहाँ पे ऐसी बॉडी है, और अब इससे पानी भरेंगे। भरना ज़रा, ये देखिए ऐसे पानी भरा जाता है, और शायद इस जगह से पानी आता है और इसमें इकट्ठा होता है, और यहाँ से देखो ये निकल रहा है बाहर। तो ये पुरानी बॉडी है हमारे। बाकी गाइस इधर गए थे ना हम अभी पानी भरने पर बॉडी तक, तो फिर पता चला हमें कि इधर एंड हुआ है रोड, ये इधर से घूम के आ रहा है कहीं से ऊपर से। तो ऐसा है, बाकी अब हम इससे जाएंगे ऊपर जहाँ तक होगा रास्ता। बाकी मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ करोल, तो मुझे तो रास्ता नहीं पता। बाकी ये इनमें से कई आए हैं दूसरी तीसरी बार, तो फिर यही बता रहे हैं रास्ता। और ये सोलन क्या बढ़िया नज़ारा है गाइस। बाकी हल्के हल्के क्लाउड्स आ गए अभी, पर चलो वैसे तो क्लियर है ना मौसम। तो गाइस करोल जाने से ज़्यादा मन ना उधर चूड़दार जाने का कर रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है देखो जरा, स्नो कवर्ड पूरा पीक। सो गाइस यहाँ से ये रास्ता जाता है ऊपर को, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम ऊपर बढ़िया। बाकी सब आगे जा चुके हैं, मैं ही पीछे रह गया। जरा एक दोस्त का फ़ोन आ रहा था तो उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो आया नहीं ना, तो फिर मैं चल रहा हूँ। बाकी यहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का ये छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे आप कुछ खाने पीने का ले सकते हैं। बाकी हमारे पास तो है, तो हम तो चल रहे हैं आगे। बाकी अपनी पार्टी देखो, एक तो कितने ऊपर वो पहुँच चुके हैं। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, बाकी फ़ोन फोकस ही नहीं मार रहा भाई, तो ये ऊपर। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, बाकी ये दो आगे चल रही हैं, और यहाँ पर खच्चर भी आ रही है ऊपर से, इस खच्चर इन द हाउस। तो यहाँ से जैसे गाड़ी वगैरह नहीं जाती ना ऊपर, तो इनमें ले जाते हैं मटेरियल वगैरह कुछ भी ले जाना ऊपर। वो दो और आ रहे हैं। बाकी गाइस एक और व्यू पॉइंट यहाँ से, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है देखिए ज़रा। और वो दिखें, वो पीक के पीछे दिख रही है ना एक और पहाड़ी छोटी सी, वो कसौली है, ये छोटा सा दिख रहा है ना, कसौली की पीक है, मंकी पॉइंट है वो, मंकी पॉइंट। तो देखिए गाइस कितना सुंदर हो चुका है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी टॉप पे तो गाइस मैं बताऊँगा आपको, बहुत कम पेड़ है, क्योंकि यहाँ भी बर्फ़ पड़ती है हल्की हल्की, और उस टॉप पे जाना है शायद हमने, वो दिख रही है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, वहाँ पहुँचेंगे, घूम घूम के जा रहे हैं ऊपर, तो ऐसा कुछ है। देखिए गाइस ये अच्छी चीज़ की गई है, यहाँ पर डस्टबिन बनाए हुए हैं, और ये देखिए कैसी गली सी आ गई यहाँ पर। तो गाइज़ हमारी आधी पार्टी हो चुकी है, पता नहीं कहाँ गए, एक और डस्टबिन और आधी पार्टी पता नहीं कहाँ गई। कि बाकी गाइज लोगों ने फिर भी देखो नीचे फेंका हुआ है, यहाँ कितना सारा पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा गलत लगता है यार गंद बचाना, क्योंकि और लोग भी तो आते हैं फिर बाद में, उनको फिर वो पसंद नहीं आता गंदी जगह, फिर वो बैठेंगे कहाँ, क्या खाएँगे। बाकी ये लग रहा है मेरे को रास्ता ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो शायद यहीं जाएँ हम। तो गाइस ये मिल ही गए, इन्होंने गाने लगाए हुए ना, तो इनको कुछ सुन ही नहीं रहा, ऐसे चले हुए अपने टाउनों की तरह। गाइस ये पेड़ देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर ये हमारा पुल अप्स लगाने लग गया लड़का, और बढ़िया है पेड़ तो। बाकी गाइस अब थोड़ा रास्ता भी ख़राब हो चुका है और पतला हो चुका है, और यहाँ से अगर कोई नीचे चला गया ना भाई साहब, तो मतलब कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि लगता नहीं है मिल जाएगा,
ऐसा कुछ है। बाकी देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं पतली सी रास्ते से इससे, और यहाँ से नीचे को क्यों भाई? जरूर भाई जरूर। बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर कोई चला गया, लाएंगे कैसे बेचारे को। सो गाइस यहाँ पे बैठे हैं, दो सदस्य हमारे पीछे रह चुके हैं, और बाकी यहाँ से व्यू भी मस्त आ रहा है। इधर आया कुछ घना सा जंगल, नीचे देखिए कितना घना है ये, वैसे हल्का सा ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी मज़ा आ रहा है यार, फुल मज़ा आ रहा है, फुल जिसको कहते हैं ना, क्योंकि अपने ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब तो धूप भी चलेगी, बहुत कम है तो मज़ा आ रहा है। बाकी व्यू तो गाइस है ही बढ़िया। कितना ही मज़ा आ रहा है, ऐसे डेंस सा हो गया थोड़ा सा, बाकी बीच में छोटा सा रास्ता, चारों तरफ आपके पेड़ ही पेड़, मज़ा आ रहा है। बाकी मैं सबसे लास्ट में रह रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तेज तेज चल के इनको पकड़ लूँगा, पर मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे तो। ये इतना अच्छा रास्ता लग रहा है, बीच से ऐसे छोटा सा रास्ता और साथ में आपके पेड़ ही पेड़। तो गाइस ये एक खुला सा एरिया आ चुका है, यहाँ पे तालाब भी है एक, मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। और ये क्या बढ़िया लग रहा है यार, ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार। अब जितना अच्छा आपको आपकी आंखों से लगता है ना, उतना अच्छा आपको कैमरे से पता नहीं चलता। और अब पेड़ घना हो चुका है ऊपर को, लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अंदर जंगल में, घने जंगल में, पर मज़ा आ रहा है यार। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सब बैठे हैं बढ़िया चौकड़ी मार के, यहाँ हमारा आदित्य। यो ब्रो चीयर गाइस, थोड़ा सा और पास लाओ, मैं भी आऊं, और पास लाओ। अरे सर्कल में बनाओ गाइस, चीयर्स। थोड़ा सा आगे गाइस, चीयर्स। वो हम भी हैं। अरे गाइस चीयर्स, चीयर्स। सो गाइस देखिए आ गई है इंटे लेके वापसी ऊपर को। मैं तो अभी करोल ऊपर पहुंचा भी नहीं हूँ, पर मैं कहूँगा कि यार बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया, आना चाहिए सबको, आना चाहिए यहाँ एक ना एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि मज़ेदार है। बाकी ऊपर चल के तो जो गुफा है ना, उसमें कहते हैं कि आप जितना मर्जी तेज़ लाइट ले जाइए, दिखता ही नहीं है कुछ, दिखता ही नहीं है, तो वो भी देख लेंगे आज। बाकी चलते हैं आगे, सब आगे चले गए, हम जरा सुसू ब्रेक के लिए रुक गए थे पीछे, तो अभी चल रहे हैं बढ़िया। वाह मजा आ गया गाइस, चूरधार, वाह। सो गाइस पहुंच ही गए हम, ये देखिए ऊपर टावर दिख रहे हैं ना, जहाँ वहाँ तक जाना है हमने, कुछ वहाँ चले गए, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ वहाँ पे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ। गाइस अब दिख रही है आपको, ये है ईगल चिल्ले, कितनी हाइट से आगे दिख रही है। इतना बढ़िया रास्ता है, सारा पेड़ से कवर है, ट्रैक ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है, बाकी थोड़ा ख़राब भी होना चाहिए यार, तभी तो मज़ा है ट्रैक करने में, नहीं तो सीधे रास्ते में चल लो क्यों, तो ऐसा कुछ है। बाकी थोड़े कुछ हमारे वहाँ आके पहुँच चुके हैं मंदिर पे, हम थोड़े पीछे रह गए, और हम भी चल रहे हैं अब खचरों के पीछे पीछे चल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे को रास्ता नहीं पता ना। डस्टबिन बना है, तो जो भी हमने खाया पिया ना वो सारा इसमें ले लें, बाकी आपको भी ऐसे करना चाहिए गाइस। बाकी कोई रास्ता अगर भटक जाए ना, तो देखिए ऐसी ऐसी चुन्नी लगी हुई है रास्ते पे सारे में, तो ये एक निशानी है कि हाँ आप ठीक जा रहे हैं। बाकी इधर कुछ लिखा है, गुफा नीचे चंबा घाट इधर, अच्छा ठीक है सर। अरे देखिए ज़रा इधर बॉटल्स पड़ी है, और यहाँ पास में डस्टबिन है भाई, डस्टबिन में डाल दो सब, चलो क्या कह सकते अब। हम पहुँच ही गए मंदिर, देखिए कुछ जो आगे आगे चले गए थे ना हमारे, वो बैठे हैं उधर, और मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ पे मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे गुफा की तरफ, और फिर आपको गुफा दिखाएंगे अंदर कैसी है क्या नहीं है, और मज़े आ गए गाइस। 11:30 चले थे ना हम, और टाइम अभी 1:40, तो लगा लो आप कितना टाइम हुआ है। बाकी मज़ा आ गया यार, यहाँ दर्शन करते हैं, जय माँ काली, नहीं जय माँ करोल, जय माँ करोल वाली। गाइस ये है हमारी करोल टॉप, और ये है हमारा करोल का मंदिर, करोल माता का,
और क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमारा सोलन ही है शायद ये, हाँ सोलन दिख रहा है। और ये अपनी चूड़धार पीक पर है, ये देखिए बर्फ़ से पूरी ढकी हुई। और ऐसा कुछ है, बाकी हमने जो गुफा है ना उसके लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तो वहाँ चलेंगे। तो ऐसा है कुछ, बाकी धौलाधार रेंज भी दिख रही है यहाँ से, कुछ पहाड़ियाँ हैं ना पीछे उस पूरी वाइट हुई हुई है, पूरी कवर है। तो ऐसा है, बाकी इसमें दिखेगी नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है और थोड़ा फॉगी फॉगी हो गया वेदर। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe. आपको किसी भी ऐसे जैसे ऊंचे जगह पे कहीं भी जाना हो ना, जैसे कि ये करोल पीक आ गए हम, तो सबसे बेस्ट टाइम बताऊं क्या रहता है, जब बारिश हुई हो और बारिश के अगले दिन धूप खिली हो, तब क्योंकि पूरा आपको क्लियर मिलेगा, कोई फॉग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है आने का। बाकी आज सुबह तो मौसम साफ था, पर अभी देखो हल्की हल्की फॉगी फॉगी होगी ना, तो दूर का अच्छे से दिख नहीं रहा, पर उस टाइम सारा क्लियर दिखेगा। और अभी क्लाउड्स भी आ चुके हैं, पर ठीक है यहाँ टेम्परेचर ठंड भी नहीं लग रही, गर्म भी नहीं लग रही।